मैं अभी नहा चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ यमी टेस्टी। मैंने देसी स्टाइल में चिकन बनाया उसे खाने के लिए, उसका मैंने वीडियो बनाया और उसे अभी मैं अपलोड कर रही हूँ, हो रहा है अपलोड। जब तक ये वीडियो आप लोग के पास जाएगा तब तक आप लोग यमी टेस्टी वाला जो चिकन है वो आप देख चुके होंगे। और एक हंसी की बात बताऊँ तो मेरी मम्मी जो है अपराजिता को सुलाने के लिए ले गई थी मेरी बेटी को, लेकिन मेरी मम्मी सो चुकी है और वो खेल रही है, दिखा रही हूँ। बाहर में निकल के खेल रही है और मम्मी पूरी तरह से सो रही है, तो जिसे सुलाने के लिए ले गए थे वो बाहर में खेल रही है, और जो वेट कर रही थी मेरे नहा के आने का तब खाना खाएंगे वो सो चुकी है। तो ये बात देख के मुझे बहुत हंसी आया। ये है मेरा दरभंगा किचन और मैं आई हूँ अभी चाय और कॉफ़ी बनाने के लिए। शाम के 4:45 हो रहा है और मेरे पापा को अभी चाय पीना है, हम लोग को कॉफ़ी पीना है, तो पहले गैस ऑन कर लेती हूँ। जिसमें से 4 कप चाय बनेगा और 1 कप कॉफ़ी बनेगा जो मैं पीऊँगी। पापा बहुत कम मीठा पीते हैं इसीलिए मैं अभी चीनी कम दूंगी, और फिर जब पापा के लिए चाय निकाल लूंगी उसके बाद सभी के लिए चीनी ज़्यादा करके फिर से खौला देंगे। ये है कॉफी। किचन में एक ऐसा चीज़ है जो मैं दिखाऊंगी तो बोलेगा ये तो ऑसम आइडिया है। तो फ्रेंड्स मैं देर ना करते हुए चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ वो चीज़ है क्या जो आप लोग भी देख के बोलोगे ये तो ऑसम आइडिया है। ये गेस कीजिए क्या है, फटाफट गेस कीजिए कि ये क्या है। फ्रेंड्स ये है एक्वागार्ड, और एक्वागार्ड में मेरे पापा ने बहुत अच्छे से कवर बना के अपने हाथों से इस पर लगाया है, बहुत ही अच्छा है, गंदा होने से भी बच रहा है और इतना फिट है एक्वागार्ड में, इतना शेट है कि इधर उधर कहीं नहीं निकला हुआ है। एक्रेट जितना बड़ा एक्वागार्ड है उतना ही बड़ा ये कवर सिला गया, उसी हिसाब से सिला गया है, पूरा कवर हो गया है। और जिस स्टाइल में ये एक्वागार्ड का डिजाइन है उसी डिजाइन में ये कवर को सिला गया है। मैं पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए। तो इससे एक्वागार्ड पूरा सेफ रहता है और अच्छा का अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, कुछ भी ख़राब नहीं लगता है। होता है ना कभी कभी कोई कपड़ा से बांध देता है सेफ्टी के लिए, कोई कुछ के लिए, तो लगता है ये मार्केट से ख़रीद के कवर लेके आए हैं और इसे इस पर लगा दिए हैं, स्पेशल इसी के लिए बना हुआ हो, इस टाइप से लग रहा है। मेरे पापा के हाथ में बहुत अच्छा कारीगर है, वो बहुत ही कुछ बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, इस सब टाइप का कवर बनाते हैं। हम लोग का भी कवर्ड में जो अनवारी में कवर लगा हुआ है वो सब मेरे डैडू ने बनाया है, मेरे पापा ने बनाया है। तो फ्रेंड ये कैसा लगा आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टाइल में जूड़ा बांध दिया, दिखा दो बेटा दिखा दो, ये देख। हाँ क्या देखेगी, तुम नहीं दिखेगी इसमें, मत खोलो, बहुत अच्छी लग रही है, मत खोलो, बना दे, मत खोलो, मत खोलो, अच्छी लग रही है बेटा, गर्मी से बचाव मिलेगा, मत खोलो, हाँ बचाओ। जीता बच्चों को पढ़ा रही है, खुद बच्ची है, स्कूल जाने के नाम से रोती रहती है और अभी घर में बच्चों को पढ़ा रही है ना अपराजिता, पढ़ाओ तो क्या पढ़ा रही है, टच बंद करो बेटा, लाइन है, सामने में भागवत हो रही है जिसके कारण बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है और बहुत ज़्यादा लग रहा है घर में ही भागवत हो रहा है, घर में ही माइक लगा है, इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है जिससे कि घर में भी बात करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है। घर में भी ना अगर नॉर्मल आप बात कर रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं देती है, जोर से बोलना पड़ता है तब जाके सुनाई देता है, इतना मतलब आवाज़ घर में गूंज रहा है। आज मेरा बाल बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी दिन से पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ आपका भी, उसका तो मुझसे ही कॉम्पिटिशन है।
आज मैं अपने बाल में बार बार हाथ लगा रही, बार बार इसको ठीक कर रही, इतना अच्छा लग रहा है आज, इतना सॉफ्ट है। कह लो मैं अभी कुछ नया शैम्पू ट्राई कर, नया शैम्पू ब्रांड तो पुराना ही है लेकिन मैं नया नया ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ अगर ये शैम्पू मुझ पर सूट किया और अच्छा रहा मेरा बाल तो मैं ज़रूर इसका भी रिव्यू दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उसी चीज़ का रिव्यू देती हूँ या उसी चीज़ के बारे में बताती हूँ जो मैं खुद यूज कर ली रहती हूँ और मुझ पर सूट करता है, तो मैं उसी चीज़ के बारे में आप लोगों को भी बताती हूँ कि आप लोग भी ट्राई करो और देखो कि कैसा रहता है, क्योंकि मुझे तो सूट कर रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं उस चीज़ का रिव्यू कभी नहीं देती, उस चीज़ के बारे में कभी नहीं बताती जो मुझे अच्छा नहीं लगता है और जो मुझ पर सूट नहीं करता है, मैं उस चीज़ के बारे में कभी नहीं बोलती, क्योंकि आप लोग टेस्ट करते हो, आप लोग यूज़ करते हो बोला हुआ प्रोडक्ट, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं मुझे कहते हैं कि आपने उस प्रोडक्ट के बारे में बताया तो मैंने यूज़ किया तो मुझ पर भी अच्छा रहा, तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो चलो मैं सही चीज़ बताती हूँ, मैं अच्छा चीज़ बताती हूँ, मैं अच्छा एक काम कर रही हूँ, तो इस बात से मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं उसी चीज़ को बताती हूँ, तो अभी मैं ये यूज कर रही हूँ और मेरे बाल पर अच्छा रहा तो मैं इसका भी रिव्यू ज़रूर दूँगी आप लोगों को। किचन रात के डिनर की तैयारी करने, तो सब्जी बना चुकी हूँ और ये रहा आटा जिसे मैं गूंथ लेती हूँ, क्योंकि आज मेरे मामा भी आए हुए हैं तो रोटी बनाना है, क्योंकि उन्हें पूरी अच्छा नहीं लगता, पराठा उतना उनको पसंद नहीं है, रोटी ज़्यादा पसंद है तो रोटी बनाऊंगी, नहीं तो इससे पहले डिसाइड था कि पूरी बनता, पर उन्हें पूरी उतना पसंद नहीं है तो रोटी बना लेते हैं, इसलिए आटा को गूंथ लेते हैं पहले फटाफट। मुझे ज़्यादातर चावल ही पसंद है, तो दिन हो या रात में तो चावल ही खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे जो मामा आए हैं उन्हें रोटी बहुत पसंद है, उन्हें चावल उतना पसंद नहीं है, आप जब चाहे उनको रोटी दे दीजिए वो बहुत प्यार से खा लेंगे, लेकिन चावल अगर एक टाइम पे भी खाना पड़े तो वो मजबूरी में ही खाते हैं कि हाँ खाना है, एक टाइम तो कम से कम चावल खाना है तो खा लेती हूँ, नहीं तो वो रोटी बहुत पसंद करते हैं। इसे मैंने गूंथ लिया और इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी, उसके बाद आऊँगी रोटी बनाने, क्योंकि 10 मिनट अब जब ढक के छोड़ देते हैं तो आटा जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जिससे रोटी बनाना बहुत इजी और क्या बोलते हैं बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी निकलता है, तो इसीलिए इसे 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, उसके बाद ही रोटी बनाने आएँगे। आटा जो गूंथ के गई थी वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया, अब आ गई हूँ रोटी बनाने, वैसे तो मुझे खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब मैं दरभंगा आती तो मेरी मम्मी ही खाना बनाती है, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना के देती है, पर दो दिन से मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बनवा रही हूँ। क्योंकि पता नहीं मम्मी के घुटने में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है आजकल, आवाज़ सुने थे वो मेरे मामा का आवाज़ था, मेरे मामा फ़ोन पर भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं तो उनकी एक आदत सी हो गई है, जबकि वो बरना में बैठा और मैं किचन में, फिर भी सुनाई दे रहा होगा। मैं और कहना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो आप देखते हैं और आपको अच्छा लगता है या आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी मैं आगे वीडियो बनाऊँगी वो आप तक नोटिफिकेशन चल जाएगा, और जो बेल है उसे क्लिक करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो बात करते करते कैसे 12 बज गया, 12:15 बज गया पता नहीं चला है, और हम लोग ज़बरदस्ती अपने अपने बेड पे गए हैं सोने के लिए ताकि सो जाए, लेकिन किसी का मन नहीं था कि वहाँ से उठे, सब बैठ के बातें नया पुराना सब दे रहे थे, लेकिन टाइम जो काफ़ी हो चुका है रात, तो इसीलिए हम लोग उठ के लास्ट टाइम में आ गए। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।